नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना है उसकी आंखें भर आई हैं। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंचे लोग ऐसे हादसों का शिकार हो गए हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों को तलाश रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। वही न्यूज इंडिया की हमारी सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थितियों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत कर हाथरस कांड के असली गुनहगार के बारे में जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं हाथरस मौत तांडव कांड के हादसों के चश्मदीदों ने न्यूज इंडिया पर क्या कुछ कहा है। हमारी मौजूदगी फिलहाल भोले बाबा के पैतृक गांव में है और इस बात का अंदाजा आप इस व्हाइट हाउस से लगा लीजिए। देखिए, आपको तस्वीरों में एक व्हाइट हाउस मैं दिखाने जा रही हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरों में एक चौकी नजर आएगी जो कि व्हाइट हाउस के जस्ट बिल्कुल बाहर चौकी बनी हुई है। व्यवस्थाओं के लिए नाम दिया गया है कि ये चौकी जो है व्यवस्थाओं के लिए बनी है। कोई भी जब भी भक्त यहाँ पर आएंगे, भोले बाबा के भक्त आएंगे या फिर कोई भी गाँव का वासी आता है तो उनकी मदद के लिए इस चौकी का निर्माण किया गया है। इसके पीछे आप देखिएगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो थोड़ा सा आगे आए और पूरा जो ये व्हाइट कलर का भवन निर्माण किया गया है, ये पूरे भव्य जो निर्माण यहाँ पर किया गया है ये पूरा दिखाया जाए। देखिए, ये जो निर्माण यहाँ पर किया गया है ये भोले बाबा का घर है कहा जाता है इसे, और यहाँ के लोगों में, इस गांव के लोगों में भोले बाबा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आस्था भी मानी जाती है। आप निर्माण में एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि जो भवन की दीवारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची बनाई गई है। इतनी सिक्योरिटी जो कि पहले के ज़माने में किसी राजा महाराजा के घर में हुआ करती थी, महल में हुआ करती थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ का निर्माण किया गया है। इनके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। तस्वीरों में आप बिल्कुल सामने देखिएगा, एक गेट है, बेहद ही भव्य सा आपको गेट नज़र आ रहा होगा। यही वो गेट है जहाँ से एंट्री होती है, भवन के अंदर एंट्री होती है। लेकिन भवन के अंदर एंट्री लेने से पहले आपको बता दूं, एक और गेट का सामना करना पड़ता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि दो गेट का। जब गांव के अंदर हम एंट्री लेते हैं तब एक गेट बना हुआ है, इसके अलावा जब हम भवन के पास पहुंच जाते हैं तब यहां पर एक गेट बना हुआ है। आप ये गेट भी देख सकते हैं, जैसे ही आप इस बड़े से गेट से अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेते ही आपको ये नलके नज़र आएंगे जो कि काफ़ी यहाँ पर नलके लगे हुए हैं, 3, 2, 5, 6, 7, 8 आठ नलके लगे हुए हैं। और ये नलके यहीं पे नहीं, जब हम पहले गेट से एंट्री लेते तब भी कुछ नलके लगे हुए हैं, ऐसे ही 6 से 7 की संख्या में 8 नलके यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन नलकों का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ। दरअसल इन नलकों को लेकर भी एक मान्यता यहाँ के लोगों की है, भोले बाबा को मानते हैं उन लोगों में है। कहा जाता है कि इन नलकों में जल नहीं बल्कि अमृत निकलता है। इनका पानी पीने से या फिर इसमें स्नान करने से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाती है, मुसीबतें जो हैं वो खत्म हो जाती है, जो भी आपके ऊपर संकट चल रहे हैं वो सब संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा मिट्टी का भी यहाँ के लोग ऐसा ही जिक्र करते हैं कि मिट्टी से भी लोगों की समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है। कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि जो भोले बाबा है उनमें काफ़ी ज़्यादा आस्था यहाँ के लोगों की देखी जाती है, उन्हीं भोले बाबा में जिनके सत्संग में कल कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तमाम सारे सवाल भोले बाबा पर भी उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कल जो हाथरस में इतना खतरनाक हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, जिनकी तस्वीरें देख करके रूह कांप उठती है, उस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है। ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है, तमाम FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन FIR में भोले बाबा का नाम नहीं है। हर तरफ देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश में, इन दिनों सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा की ही चर्चा चल रही है और सवाल यही कि भोले बाबा पर FIR कब दर्ज होगी। लेकिन भोले बाबा के जो मानने वाले हैं, जो भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि भोले बाबा की नहीं बल्कि प्रशासन की गलती है। राम का अवतार लिए, राम ने अवतार लिए थे, अब द्वापर में कन्हैया जी ने अवतार लिए थे और वो ही नारायण हरि हिया बाद नगर में उन्हीं का यहाँ पर है, वो ही परमात्मा है बेटा। जा चालाक या यहाँ किसी की ना चले, यहाँ परमात्मा है ये नारायण हरि, और लिखो है यहाँ किसी से पैसा नहीं लिया जाता, न दान पात्र किसी से नहीं लिया जाता। आप यहाँ पर कब से हैं? हमें तो ये हुए हैं 20 वर्ष यही हैं, 24 वर्ष ऐसी हुई हैं। बाबा के चमत्कार की चर्चा दुनिया भर में है, आपने कोई चमत्कार देखा? अरे हमने सब कुछ देखा। क्या क्या देखा? अरे देखा तुम्हें क्या बताऊं मैं? एक दो बता दीजिए। अरे ये मत पूछो। अच्छा,
हाँ जी हम तो बिल्कुल। अच्छा, कल बाबा एक घटना हो गई हाथरस में, कई लोगों की जान चली गई, बाबा के सत्संग में गए थे वो लोग, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब वो परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, परमात्मा के हाथ में वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें के हाथ में। बाबा की बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं मानते? नहीं है। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है राजपाल सिंह यादव। आप कब से भोले बाबा पर विश्वास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं? विश्वास क्या है, यहाँ सेवा में लगे हुए हैं आज करीब 2000 से आए हुए थे, और फिर यहाँ मतलब उन्होंने यहाँ रोक दिया, अपनी सेवा कर्म करते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, आश्रम में साफ सफाई चलती है, बस यही काम है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर काम करते हैं, भोले बाबा को देखते, तो भोले बाबा के लेकर के कई सारी मान्यताएं अब चल रही हैं, कई सारी चर्चाएं चल रही हैं कि वो काफी चमत्कार भी करते थे, तो कोई एक दो चमत्कार हमें बता दीजिए जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा। सुनो, हम ऐसे चमत्कारों में भरोसा नहीं करते, जो लोग कहते हैं ना चमत्कार, हम चमत्कारों में भरोसा नहीं करते, हम तो आमने सामने भरोसा करते हैं, समझ में आ रहा ना। और संसार में सांसारिक तौर पर विचार करके देखें तो कहीं भी किसी भी चमत्कार में विचार करें तो चमत्कार में कहीं किसी रूप में मेरी समझ तो है नहीं, जैसे कि जल से ये हो जाता है कि उससे हो जाता है कहते हैं ना लोग, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनो, हुए हैं तो उनसे अमृत निकलता है, ये सब भ्रम की स्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास ये पुष्ट करता है कि नाम काम करता है, और वो नाम है पिछला इतिहास उठाएं तो रामायण में राम का नाम आता है। जब लंका के लिए जा रहे थे तो वहाँ समुद्र पे पुल बनवाया गया, तो पत्थर जो है नाम से ही तैर रहे थे, ये नाम का प्रभाव है। तेज बारिश के बीच आप पहुंचे हैं भोले बाबा के भवन के अंदर। भोले बाबा, वो भोले बाबा जो इन दिनों इस वक्त हर किसी की जुबा पर है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है कि आखिरकार अचानक से भोले बाबा कहाँ से आ गए हैं, जिनके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तस्वीरें देखकर रूह कांप उठती है। उनके पैतृक गांव में फिलहाल हमारी मौजूदगी है, तस्वीरें हमने बाहर भी आपको दिखाई उनके व्हाइट हाउस की, अब हमारी उनके व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूदगी है। यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, जिनके ऊपर नंबर भी ऊपर लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, आगे हॉल भी है, उसके आगे भी छोटे छोटे कमरों का निर्माण किया गया है। ये कमरों का निर्माण किया गया है उन लोगों के लिए जो भोले बाबा की सेवा करते हैं, जो भोले बाबा के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, उनके पैतृक गांव में आते हैं, तो उन लोगों की सेवा करते हैं। देखिए आप ये देखिए, यहाँ पर भंडारा चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये भंडारा आज ही चल रहा है, जब यहाँ के लोगों से बातचीत की गई तो पता चला भंडारा हर रोज़ चलता है, और ये भंडारा उन लोगों के लिए है जो भोले बाबा से मुलाकात करने के लिए आते हैं, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों के लिए हर रोज़ भंडारा होता है। यहाँ पर सब लोगों को भोजन खिलाया जाता है, सुबह और शाम दो वक्त यहाँ पर भोजन की सेवा दी जाती है। जिस तरीके से गुरुद्वारे में सेवा मिलती है, ठीक वैसे ही भोले बाबा के यहाँ पर भी सेवा दी जाती है। देखिए इसी के साथ आपको एक खास बात और बताएंगे, जब पैतृक गाँव के लोगों से बातचीत की गई तो उनके बारे में कुछ अनोखी चीजें पता चली जो जान करके हमें खुद भी हैरानी हुई। दरअसल भोले बाबा एक सिपाही हुआ करते थे, सिपाही से किस तरीके से भोले बाबा बने उनका वैभव इन सब तस्वीरों में साफ तौर पर झलक रहा है। जब लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि बचपन से ही वो छोटे छोटे चमत्कार किया करते थे, वो चमत्कार देख करके लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ करते थे, और जब जैसे जैसे उम्र के साथ साथ भोले बाबा बड़े होते गए वो चमत्कार भी बढ़ते चले गए। जिस तरीके से बीते दिन ये हादसा होता है हाथरस में, उसके बाद तमाम सारे सवाल भोले बाबा पर उठ रहे हैं, सवाल जब यहाँ के लोगों से वही पूछे जाते हैं तो हर कोई गुस्से के मूड में आ जाता है, गुस्साने लगता है, आक्रोश देखने को मिलता है, और कहते हैं कि भोले बाबा का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, भोले बाबा ने अनुमति ली थी, और हर बार उनके सत्संग में इतनी ही भीड़ देखने को मिलती है, जो सत्संगी वहां पर पहुंचे उन्होंने भगदड़ ज़्यादा मचा दी, इसलिए ये हादसा हुआ, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएँ नहीं की गई इसलिए ये हादसा हुआ। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनके सत्संग में अक्सर जो प्रोटोकॉल है वो भोले बाबा के साथ रहने वाले सिक्योरिटी या फिर सेवक कहा जाए वो ही प्रोटोकॉल को फॉलो किया करते थे, उसी के आधार पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती थी और प्रशासन की भी मदद ली जाती थी। लेकिन इस बार कहना है कि प्रशासन ने कोई भी मदद नहीं की, यानी कि भोले बाबा को मानने वाले सभी भक्तों का जो ठीकरा है, भक्तों की तरफ से वो ठीकरा प्रशासन पर फोड़ दिया जा रहा है।
हाथरस में कल मंगल का दिन बिल्कुल भी मंगल नहीं रहा। वहाँ पे कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा ही एक परिवार मेरे साथ मौजूद है जिनमें कल उनमें से उन्हीं परिवार के एक सदस्य ने अपनी जान गंवा दी है। वो लोग भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कल वहाँ पर क्या हुआ। माता जी, कल आप वहाँ पर मौजूद थी जब ये हादसा हुआ? हाँ। कैसे भगदड़ मच गई, अचानक से क्या हुआ? लगे इसे भगदड़ मची है वहाँ पर। मतलब कुछ नहीं, घर पे अपने अपने बांध पे जा रहे थे, कुछ नहीं। आप गई थी वहाँ पर? हाँ, हम भी गए थे। अच्छा। कुछ नहीं, अपनी जैसी तुम चलो हम चलो, बस और कुछ नहीं। इससे पहले आप जाती थी बाबा के सत्संग में? हाँ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। अब गति पता नहीं परमात्मा ने कहा, बहन भाइयों ने कर दिया जो कुछ किया सो। एकदम भगदड़ भगदड़ मचा दी, प्रभु की कोई गलती नहीं है, बाबा की कोई गलती नहीं है, कुछ गलती नहीं है, मालिक की, मालिक की कुछ गलती नहीं है। वो तो समझा रहे थे शांति से जाना, आराम आराम से धीरे धीरे निकलना, और इतने समझाते कुछ कहने की नहीं ली। बहन भाई नहीं मानते, वो भागे, उन्होंने भगदड़ मचाई थी। और आपके पैरों में चोट क्या कल ही लगी है? कैसे लगी, जब आप भाग रही थी वहाँ पे? नहीं, बाहर नहीं, गिर गए थे। हाँ, उसमें दब में बहन भाइयों ने धक्का मार दिया तो गिर गए, उसी के चक्कर में लग गई चोट ये। वहाँ पे कह रहे हैं कि निकलने की, जब लोग जब बाहर निकल रहे थे, सत्संग का समापन हुआ, तो वहाँ पे निकलने के लिए जगह नहीं थी या कोई गीली मिट्टी थी क्या वहाँ पर? नहीं, गीली मिट्टी तो नहीं खाई, नहीं थी। ऊंची सड़क थी और नीचे वो ही खेत खाई सी, वहाँ गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी के चक्कर में जैसे एकदम भैया ने रेला ना मारो, सो गाड़ी के ऊपर गिरे हैं, तभी ये चोट लगी है, तभी दब गए हैं वहीं पर ही। आपकी परिवार की एक महिला की इस हादसे में जान भी चली गई है, आपसे क्या नाता था उनका? मेरी नंद थी। आप कितने लोग थे जो कल इस उस वक्त गए थे सत्संग में शामिल होने के लिए? गए तो काफी लोग थे, मगर वहां पर ही नहीं थे, वो अलग थे, हम लोग अलग थे। हाँ, वो जाते हैं हर साल, जब जहाँ होता तहाँ जाते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे कल हुआ। बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं। हाँ, मगर ये पब्लिक ने किया, जो कुछ किया उनकी कोई गलती नहीं है वहाँ में। वो तो मना कर रहे थे कि संभाल के जाना, भाग दौड़ मत करना, समझाए रहे कि भागना मत, भागना मत, मगर ये पब्लिक नहीं मानी। जब समापन हुआ है सत्संग 2 बजे के बाद, तो सूचना मिली कि भगदड़ इतनी मच गई है, इतने लोग खत्म हो गए हैं और इतनी इतनी चोट लगी है, तो पता चली तो हम सब लोग बहुत होपलेस हुए, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब हम लोगों के साथ ही हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ क्या? मतलब हमारे घर से ही दो दो तीन तीन मट्टी घर से ही उठी है, और मतलब हमारे भतीजे की इतनी चोट लगी है, भाभी की भी लगी है, मतलब बुरा तो बहुत लगा हम लोग। अब क्या करें, सगी चाची हैं और सगी भतीजे, सगी भाभी और सगी बोती दूसरी वाली चाची, दो तीन मट्टी घर से गई हैं, और ये कासगंज भर्ती कर दी है इन लोगों को, तो इनकी ज्यादा चोट है, टूटी हुई। अंकल, क्या आप भी कल सत्संग में गए थे? मैं नहीं गया था, मेरे बच्चे गए थे, मेरी चाची जी गई थी, वो एक दूसरी भी चाची गई थी, और मेरा बच्चा गया था। और उसके बाद शाम के करीब 3-4 बज रही थी, तब मेरे पास मेरी साले के बच्चे का फोन आ पहुंचा, मेरा फोन लगा नहीं था इसलिए, मतलब तो उन्होंने बताया कि अब मेरी पत्नी के मतलब पैर में लग गई है, पैर टूट गया, बच्चे का पैर टूट गया है। और जैसे फोन मैंने सुना तभी मैं भागे, तो वहाँ पर पता लगा जाके मेरी चाची जो थी, दो चाची सगी सगी, वो उनका डेथ हो गया, ख़त्म हो चुकी थी। दूसरे हॉस्पिटल पहुँचे सिकंदराव, तो हमारे बच्चे मिले, वो वहाँ पर हालत बहुत गंभीर थी, बहुत डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ देखा नहीं जा रहा, डॉक्टर लोग किन किन को संभालती। वहाँ से डॉक्टर ने हमको रेफर कासगंज के लिए कर दिया, हम अपने बच्चों को लेके, हमारी जो चाची थी उनको मतलब पोस्टमार्टम होके एटा से
घर पहुंचाया गया। आप रहने वाले कहां थे? हम पटियाली के पास प्यारमपुर के। आश्रम भी तो पटियाली पटियाली में। हाँ हाँ, पैतृक गांव है, उसी गांव के पास में। वहां के लोगों का तो बहुत आस्था जो है वो बाबा पर टिकी हुई है। बाबा पे अटकी हुई है, वो तो जिनकी अटकी हुई है उनकी अटकी हुई है, सब लोगों की नहीं अटकी हुई। नहीं मानती लेडीज जो है वो नहीं मानती है, क्या किया जाए। मैं आप यहाँ से गए, सुनीता देवी, मैं इटा की रहती हूँ, गौशाला के पास है। तो मैं गई यहाँ से 8:30 बजे निकल गई, 10:30 बजे मैं पंडाल में पहुँच गई। पंडाल में पहुँचते समय देखा प्रभु 2 बजे आते हैं, कल वो 12 ही बजे आ गए और 12 बजे प्रवचन दिए उनने। प्रवचन देने के बाद 1:30 बजे समापन किया, कहा लोग अपने गणतंत्र दिवस को जाना। और वो कह के जैसे चले गए तो इतनी भीड़ है वहाँ, 10 लाख है, 5 लाख है, जो भी हो, वो एकदम चीटी की तरह रेंगने लगे। और जब रेंगने लगे मैंने देखा भाई यहाँ तो इतनी भीड़ है, दब के मर जाऊँगा। मेरी बेटी थी, मेरे पति थे, मेरी भतीजी थी, मेरी भाभियाँ थी, मेरी बहुत लोग थे मेरे। तो मैंने सब लोगों को जाते समय एक जगह निश्चित बता दी कि इस जगह जो आ जाए वो जहीं खड़ा मिले मुझे। तो मैंने जैसे भीड़ को देखा चढ़ते हुए, तो मैं उस जगह छोड़ के दूसरी जगह, रास्ता कम लोग थे उधर से, सब लोग, हम सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद देख बताया कि उतर बहुत भीड़ है, लोग गिर जाते हैं। तो मैं तो बहन जी उधर से निकल के आए, ऊपर आके जब सुनी कि 30-40 लोग मर गए। उनसे अरे क्यों मर गए भाई, ये इतनी भीड़ हर समय होती है, जब उनका प्रवचन जहाँ कहीं होता है वहाँ होता है, तो कहीं ऐसे लोग नहीं होता। क्यों हो गया कि पता नहीं, आप देखना जाके। तो हम बहन जी देखने तो गया नहीं, मैं सुन लिया, मैं तो बस में बैठी और चली आई घर पर। जब टीवी खोली तब देखने को मिला है कि यहाँ तो बहुत लोग मर चुके हैं। 75 लोग बताए गए, फिर 100 लोग बताए गए, फिर 135 बताए गए। अब पता नहीं क्या होगा। मैं तो वहाँ से फिर चली आई। सुना कि पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एक ही जगह पे थी, वहीं पे लोग भागे थे गर्मी से बचने के लिए। बहन जी कोई नहीं थी, ये झूठी है। कुछ लोग बोलते हैं, हमने देखा है टीवी में कि वहाँ प्रभु अपने पैर छुलाने के लिए निकले हैं और दक्षिणा लेने के लिए। ये बिल्कुल झूठी है। नहीं तो एक पैसा लिया जाता है, नहीं एक दिया जाता है वहाँ, और नहीं पैर छुलने को मिलते ही नहीं है। उनके पैर छूने को किसी को नहीं मिलते, जो कमेठी वाले लोग होते हैं वो ही छू सकते हैं और किसी को नहीं मिलते। वो तो जब गाड़ी में बैठते हैं तो 100 की स्पीड में वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई कीचड़ वीचड़ था, कोई गड्ढा था क्या? कीचड़ था, नाली भी थी, ये तो थी। क्योंकि हम भी सफाई 2-4 दिन वहाँ गए हैं तो बिल्कुल सूखा कर दिया था, और वहाँ वर्षा भी बंद हो गई थी। 3 दिन से वर्षा नहीं हुई, सब जगह हो रही है, वहाँ पे वर्षा नहीं हो रही थी। अब थोड़ी बहुत कीचड़ होगी तो आपने देखे होंगे जो लोग गिरे हैं वहाँ, क्या हुआ का पूरे सने भाई, हम तो दिखते नहीं हैं। कैसे वो भीड़ में गिरते गए, एक दूसरे को पकड़ के डालते गए हैं, और वो उसी के ऊपर से निकलते से ही हमारे ख्याल से वो ऐसे ही मरे हैं। फिलहाल जो हमारी मौजूदगी है वो एटा जिला अस्पताल में है। आपको बता दें कि हाथरस में हादसा हुआ, उस हादसे के बाद 27 डेड बॉडीज यहां पर भी आई थी। फिलहाल सभी की सभी डेड बॉडीज की पहचान हो चुकी है। सुबह तक ये खबरें मिल रही थी कि शिनाख्त नहीं हो पा रही है, परिजन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसके लिए पुलिस की क्योंकि पुलिस बल की यहाँ पर अच्छी खासी तैनाती है। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए यहाँ पर कि किस तरीके के फिलहाल हालात बने हुए। पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर है, जो भी परिजन आ रहे हैं पुलिस उनकी भरपूर मदद कर रही है, उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से समझा रही है। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि 3 अस्पताल में डेड बॉडीज गई है। आसपास के जिस अस्पताल से परिजन होकर के आ गए हैं, जिस अस्पताल में नहीं गए हैं वहाँ का एड्रेस दिया जा रहा है। और कोशिश पुलिस की यही है कि अगर समय है, यहाँ पर समय है पुलिस के पास, तो परिजन के साथ जा करके दूसरी जगह पर भी पहचान करवाई जा रही है। कुल मिलाकर के पुलिस परिवार वालों का पूरा ख्याल रख रही है, उनकी मदद करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही कारण रहा है कि जो 27 डेड बॉडीज यहाँ पर कल आई थी हादसे के बाद, सभी की पहचान हो चुकी है। फिलहाल एक डेड बॉडीज अंदर है, परिजन 10 से 15 मिनट के अंदर आने का कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट बाद परिजन यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद वो भी डेड बॉडीज यहाँ से चली जाएगी। यानी कि सभी 27 शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, सभी शव उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। ये चोट लगी, हमारी चाची तो खत्म हुई, 2 जने हमारे लला गोड़ो फ्रैक्चर हुई है, फिर पता ना क्या हुआ, बहुत बेहोश हुई है। मैं होश कब आया फिर आपको? दिन में देखो, आज सभी ने ले गए आए तो
4 बजेगा 5-6 बजेगा अस्पताल में या फिर आप वहीं करते हैं उसका? वहीं आते फिर उनसे तो मैं टर्री रेफर कर दूंगा ना मामा सिकंदराबाद, सिकंदराबाद तो तय है ना। आप वहाँ पर मौजूद थी, एकदम से भगदड़ मच गई, क्यों मची वो भगदड़, क्या हुआ था? हाँ कोई होश है ना, बाबा होश नहीं था। वो कह रहे हैं कि बाबा की धूल लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए लोग भाग रहे थे। ये मुझे पता, मैं समझ ना पाई। कौन कौन गए था आप? हमारे चचिया सास होते हैं, हमारे 3-4 नला तो मारो जाए। आपकी चचिया सास दोनों नहीं खत्म हुई, प्यारमपुर पटियाली। और आपका बेटा? हमारा बेटा वो ना टांग सी भी टूट। अच्छा, ये हाँ मेरा बेटा है, बड़ी मुश्किल से घर पाए। और क्या, आप हॉस्पिटल में कब आए? 8 बजे आए। 8 बजे आए? आप वहाँ पर थी, आपने सिर्फ कुछ अपनी आंखों से देखा है, किस क्या लगा है गलती किस किस के पीछे समझ में आ रही है? गलती हम आपको समय हो सह ना रहो, उनको और सुना रहो, मैं बिल्कुल हमारे शब्द ही फूटी है, हाथ से लीले परे जी शब्द ही जब पका का करे पर सब हमारे कछु ना है, हाँ कोई वो सह ना रहो। और पहले भी जाती थी बाबा के साथ? हम तो यहाँ पहली बार आए थे, अपने बहादुर नगर चंतरा थे हम, हमें चाची ने कि चलो बहू चलो लला लिवा चलो, सो हम चले आए थे। कैमरा पर्सन केडी के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं आंचल कादियान। तो ये थी हाथरस हादसे की कहानी, जो कि खुद पीड़ित अपनी जबानी सुना रहे थे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी, न्यूज़ इंडिया पर नमस्कार।